तो बच्ची सामने खड़ी है, थोड़ा देख तो लो यार, थोड़ा बोल लो, साइड पे कर लो भैया, कुछ हेल्प कर दो ना, उनकी फैमिली है, कर दो भैया। भैया तो चेन खींचने की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे कुछ पैसेंजर छूट गए हैं, तो इसलिए कितना लंबा जाम है भैया, जाम बहुत ज्यादा है, तो हम तो यार उतर रहे हैं पैदल ही, पैदल ही जाते हैं। एक मिनट पकड़ो, अभी भी छूट सकती है, 25 मिनट बचे हैं बस। धागे तोड़ लाऊं रोशनी से जोड़ के। अगर बहुत तेज लगी हो भी क्या करे आदमी। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड एंड जय माता दी। तो अपना वैष्णो देवी का ट्रिप भैया शुरू हो गया, तो बवेजा परिवार जो है सुबह सुबह 5 बजे, अभी पौने 5, 5 बजने में 10 मिनट है, तो हम निकल चुके हैं, कैब हमारी ऑलरेडी वेट कर रही है, 6 बजे की ट्रेन है, तो जल्दी से अपना जो है सफर शुरू करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो जी चलते हैं फिर। चलो भाई, सामने हमारी कैब खड़ी है रेडी एकदम। मौसम भाई साहब ठंडा है। चलो जी बैठो फटाफट अंदर, गाड़ी के अंदर बैठो और भगो। हाँ जी भैया नमस्कार, जय माता दी। भैया को हमने ओटीपी दे दिया है, ओला मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ, ओला मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ। भैया मेरे को भी जुकाम है और इस बच्ची को भी जुकाम है, मेरा तो गला बहुत पेन कर रहा है, सुबह सुबह चाय पी ली अदरक वाली, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, लेकिन बहुत फर्क नहीं है। माता रानी बस मेरे को वहाँ पहुँचा दे और किसी तरह बेड पे लिटवा दे, और ये पीठ की बीमारी में सारे बीमार जा रहे हैं भाई, माता रानी ठीक करेगी। और चक्कर क्या है, जो हमारी ट्रेन है ना वो चेयर कार है, उसमें हम लेट नहीं सकते पैर फैला के, तो बैठ के ही जाना है 8 घंटे के लिए। ठीक है कोई बात नहीं, 8 घंटे पहुँच तो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली तो चाची है ना, इसको ठंड कम लगती है, मेरे को लग रही है क्योंकि मेरे को जुकाम है, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया, ऊपर से बारिश हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है, तो ऑब्वियस ही बात है, इवन आप गर्मियों में भी अगर आप सुबह सुबह उठो तो हल्की हल्की ठंडक आपको गर्मियों में भी फील होती है, तो ये तो फिर भी अब सर्दी का टाइम आ गया ऑलमोस्ट। माता रानी ठीक रखना, माता रानी जय माता जी, सब ठीक रखेगी माता। तो अभी ना आज सेकेंड वीकेंड है अक्टूबर का, अब हमने बैक टू बैक ट्रिप्स प्लान है, इस वीकेंड पे वैष्णो देवी, अगले वीकेंड पे होपफुली रूफटॉप कैंपिंग, उससे अगले वीकेंड पे मतलब रूफटॉप कैंपिंग जो रहेगा वो बैचलर्स का रहेगा, दोस्तों का रहेगा, और उससे अगले वीकेंड पे कोशिश मतलब ये प्लान बना रहे हैं उस दिवाली से जस्ट जो पहले वाला वीकेंड है उस पर भी कहीं ना कहीं ट्रेवल करेंगे, सोच रहे हैं हिमाचल कर लेंगे क्योंकि हिमाचल इज़ वेरी क्लोज टू चंडीगढ़, हम जल्दी से उस ट्रिप को ख़त्म करके सीधा चंडीगढ़ पहुँच सकते हैं बिफोर दिवाली, तो ये दिमाग में चल रहा है। मसाला बहुत है इस बार, बहुत मसाला मिलेगा आपको, चाची भी मिलेगी। कटरा का वो किया था वेदर फोरकास्ट चेक, उस पर तो क्लियर आ रहा है, जम्मू में देर इज़ नो रेन, तो यही एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर वहाँ बारिश होगी ना तो भाई वहाँ ठंड बहुत खतरनाक वाली होगी, बहुत खतरनाक वाली होगी, मेरी टांड जो है बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी, जम जाएगी, और मैं टोपी भी लेके आया है, बस जैकेट के भरोसे आया हूँ। जय माता दी। थोड़ी सी टेंशन हो गई है, यहाँ मिल गया जाम अपने को स्टेशन के जस्ट बाहर, अब पता नहीं कितना लंबा जाम है और ये मूव ही नहीं हो रहा है बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है कि एटलीस्ट चलता रहे साथ साथ, वो भी नहीं हो रहा, पर अब कोई ऑप्शन भी नहीं है भैया, वेट ही करना पड़ेगा भैया, जाम बहुत ज़्यादा है, तो हम तो यार उतर रहे हैं पैदल ही जाते हैं। एक मिनट पकड़ो, चल दे नहीं भैया, भागे हैं पैदल ही, देखो ट्रेन छूट जाती है आज, अभी भी छूट सकती है, 25 मिनट बचे हैं बस, कुछ आते रहो, आओ आओ आ जाओ, जबरदस्त भाई साहब, भाई साहब मस्त तरीके से भागते हुए आओ आओ, शाबाश,
भगड़ फैली हुई थी पूरी, समझ में नहीं आ रहा क्या है। हाँ लेट तो वैसे नहीं है, अभी है हमारा 10-15 मिनट, लेकिन टेंशन हो गई थी क्योंकि जाम बहुत कड़ा था भाई साहब, बहुत बड़ा जाम था। स्टेशन तो पहुंच गए लेकिन यार इतनी भसड़ है ना, बहुत भसड़ है भाई साहब, पी टी टी पी यही चल रहा भाई, ये देखो सुन रहे हो आगे पीछे पी पी टी टी। कूली ये भाई, कूली थे कूली। चलो 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 स्टेशन है स्टेशन है, आप आगे आइए, टेंशन मत लीजिए सब पहुंच जाएंगे अब तो। तो भाई हम प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे पहुंच ही गए हैं और ये खड़ी है ट्रेन। हाँ यही ट्रेन है वंदे भारत, ये C7 है बट अपने को जाना C1। पूछ लो पहले। अच्छा हाँ ठीक है इधर ही होगा भाई। स्टेशन पे आते हैं ना इतनी बढ़िया महक आती है ना, वॉशरूम सड़ी हुई एकदम, वही महक मैं सूंघ रहा हूँ अभी। खुदा का शुक्र है कि आपको ये महक नहीं आ रही जो मुझे आ रही है। हमारा कोच हमेशा आखिरी कोच, हमारा कोच जिंदाबाद, जय माता दी, भागो भागो भागो। लो भैया घुस गए अंदर, 567। हाँ 567। ओ वाओ भाई शुक्र है ट्रेन नहीं छूटी, भगते भगते आए हैं लास्ट 500 आधा किलोमीटर तो। भाई आओ आपके लिए ना वंदे भारत का ही रिव्यू कर लेते हैं। देखो सीट्स का सबसे अच्छी चीज़ है जो अभी तक मुझे पता समझ में आया कि इसमें लेगरूम तो बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो भाई लेगरूम तो बहुत अल्टीमेट है, लेकिन यार इतना लंबा रास्ता है, मेरे हिसाब से थोड़ी सी पुशबैक सीट्स होती तो और अच्छा लगता, क्या पता हो भी, बट मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। लॉबी का वॉशरूम भी देख ही लेते हैं कैसा है। भैया वॉशरूम है यूज़ करने लायक, कैसे है कैसे खुलता है ये? अभी नहीं, अभी बंद है। अगर अभी आई हो तो क्या करें, अगर बहुत तेज लगी हो अभी क्या करें आदमी? भाई बहुत तेज लगी है लेकिन कोई जो भी है अंदर बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। मैं कहाँ करूँगा, बहुत तेज आ रहा है यार। कोई बात नहीं वेटिंग करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो आवाज़ तो आ गई है फ्री होने वाला अंदर, बहुत तेज लगी है। लाओ भैया इसका वॉशरूम भी हम थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं। वॉशरूम बहुत क्लीन है, देखो पूरा बड़ा वॉशरूम है जैसे आपके घर के भी भाई साहब जैसे घर में होता है उससे भी बड़ा लग रहा है। और ये देखो ये भी टॉयलेट सीट है ये भी क्लीन लग रही है। और देखो अपना भाई स्मार्ट भाई जाम आता थी, देखो वॉश बेसिन भी कितना अच्छा है। देखो यहाँ पे सोप डिस्पेंसर है, हाँ मैं सोसो कर लेता हूँ। देखो इसमें ये पुश फ्लश का भी देखो क्या हाई फाई बटन है भाई। और ये देखो यहाँ पे ये भी है, जेट भी है पाइप वाला, मतलब जो मुझे याद है पहले जो ट्रेन्स होती थी वहाँ तो डब्बा टंगा होता था भाई जंजीर के साथ ताकि कोई चोरी ना कर ले। क्या बात है, हमारा भारत महान भाई, हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। मैं ट्रेन के अंदर ही था भाई, मैं इनके वॉशरूम का रिव्यू कर रहा था। धागे तोड़ लाऊं रोशनी से जोड़ के, देख लो भाई अब तो, अभी आपने देख लिया, देखो कैमरा के सामने मेरे को मारती भी है। अच्छा। मुद्दतों के बाद बहुत कोशिशों के बाद एक फैमिली के कुछ लोग छोड़ गए हैं, पर हमारे साथ आंटी आ रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से चढ़े हैं। आंटी को जाना है C8 पे, आंटी को छोड़ के आएंगे। आंटी ने बहुत मुश्किल से ट्रेन पकड़ी है भागते भागते। सीट नंबर याद है तुम्हें? ठीक है। आंटी को उनकी सीट पे छोड़ने के बाद अब मैं अपनी जगह वापस जा रहा हूँ। ये भाई ये देखो ये अमीरों वाली सीटें आ गई, ये ई ये एग्जीक्यूटिव क्लास है, ये सारे अमीर लोग हैं, हमारी तरह गरीब नहीं है। सोफे भी अच्छे अच्छे से हैं, सुंदर सुंदर से हैं। जैसे हम निकल गए वैष्णो देवी तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जैसे बहुत लोग तो वैसे गए हुए हैं पर फिर भी मैं एक बार ज्ञान दोबारा रिपीट कर दूंगा कि स्टेशन कटरा स्टेशन में पहुंचने के बाद अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो कटरा स्टेशन पहुंचने के बाद क्या क्या प्रोसीजर है, आपको कहां कहां जाना है, क्या रूट से जाना है, कोई फॉर्मेलिटी करनी है नहीं करनी है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। ठीक है जी, तो मिलते हैं आगे ब्रेक के बाद। ये ट्रेन जो है 6 बजे स्टार्ट हुई थी और 2 बजे हमें पहुँचा देगी कटरा स्टेशन। कटरा स्टेशन के बाद हमें ऑटो वोटो टाइप कुछ लेना पड़ेगा, वो तो खैर आप देख ही लोगे क्या लेंगे, मैं कैसे कर रहा हूँ अभी यार।
व्यूअर्स पढ़ा रहा हूँ व्यूअर्स। तो भाई अपनी चाय आ गई है बढ़िया वाली, मतलब गर्म पानी आ गया, चाय पत्ती हमारे को दे दी गई है। ये देखो चाय मसाला चाय, ये साथ में अपने को मिले हैं कुकीज, ये गर्म चाय की प्याली कोई उसको पिलाने वाली। भाई इसमें डाल दो सावास मसाला चाय। अभी गरम गरम चाय पी लिए चाय। भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पौष्टिक आहार आ गए, काफी कुछ आया है। आओ पेलो और सो जाओ भाई, दबा के पेलो इसको और सो जाओ। फ्लाइट में इतना कुछ नहीं मिलता जितना इसमें ऑप्शंस है। देखो ना इसमें ये क्या था, पराठे, आलू पराठा, कटलेट, सैंडविच। भाई फ्लाइट में तो एक ही चीज़ देते हैं और पेल देते हैं। चलो गुड, अभी तो शायद लंच भी मिलेगा हमें इसी ट्रेन में। पराठे अच्छे हैं, अभी कटलेट खाएंगे फिर सैंडविच खाएंगे। बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट था, पेट मस्त भर गया। अब एक एक घंटे की नींद मारते हैं क्योंकि रात भर जो है सोए नहीं, एंजाइटी में कि उठना है। और फिर 4 बजे उठ भी गई थे, अब नींद मारते हैं बढ़िया वाली और नींद आएगी बहुत बढ़िया वाली। मौसम देखोगे क्या ज़बरदस्त मौसम है, देखो बहुत कातिलाना मौसम है भाई। गुड नाइट, बाय बाय, फिर मिलते हैं आगे। अभी तो लंच भी मिलेगा अच्छा वाला। हल्की हल्की सी ना चाय पीने का मन करा है तो फूल कुमार भाई ने चाय पिलाई हमारे को। फूल कुमार भाई ये लो जी, मेरे लिए तो बन के आ गई है और मिक्स कर लो अगर करनी है। नहीं हो गया बस, चाय की चुस्की ले रहे हैं, मजा आ रहा है पूरा पूरा। बस तीन ढाई से तीन घंटे में अपन कटरा। देखो फूल कुमार ने दी है वो हिंदी अखबार है और आंचल को फ्लावर कुमार देगा इंग्लिश अखबार। और वैसे भी देखो हिंदी अखबारों इंग्लिश अखबारों में ये सब थोड़ी मिलता है। अच्छा अच्छा यार, पुतिन के तीन विरोधियों को दिया जाएगा शांति का नोबल पुरस्कार। इस करवा चौथ पर लीक से हटा फैशन, आप भी यूं चमके चांद सी। मैं तो पहले ही जानूं शरारत में कोई रोक नहीं। भाई बढ़िया ना, लंच कर लिया है। यहाँ पनीर था, ये दाल थी, ये चावल थे जिसमें पराठे थे और इसमें आलू की सब्जी थी, बढ़िया खा लिया और दही भी थी साथ में। इट वॉज अ गुड लंच। बाकी पड़ोसियों का चल रहा है, अभी पड़ोसी खा रहे हैं। अभी मेरी कंगी मेरा शैम्पू बता तुझे क्या चाहिए, आई हैव गॉट एवरीथिंग। मोहतरमा कंगी मांग रही, शैम्पू मांग रही है, मैं मेरा लो यार, कंडीशनर ले लो, मेरा शैम्पू कंगी और कंडीशनर सब मेरे पास। क्रीम भी है अनयूज्ड, क्रीम भी है। मेरे पास एक शैम्पू है जिसका नाम है शोल्डर एंड हेड,
अगर आपने नहीं देखा तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर जाके देखो, मेरी रील है शोल्डर एंड हेड के ऊपर, वो शैम्पू बहुत जबरदस्त शैम्पू है। वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। तो मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपने सुन लिया होगा कि हम पहुंचने वाले हैं। आंटी ने मेरी हेल्प कर दी, आंटी ने थोड़ी सी ब्लॉगिंग मेरे लिए कर दी, थैंक यू, जय माता दी। लो भैया पहुंच गए हैं, फाइनली 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 फाइनली, आ जाओ आ जाओ, जय माता दी। तूने मुझे बुलाया माता के दरबार में, माता के चरणों में हम पहुंच गए। पहले वहां पे यात्रा पर्ची होती थी ना, पहले यात्रा पर्ची मिलती थी ना, यहाँ पे ले, यहाँ पे वहीं से ले ले भाई, यहाँ से हम ले लेते हैं अपनी यात्रा पर्ची। ये है यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, यहाँ पे RFID कार्ड कुछ बनेगा तो यहाँ से ले लेते हैं, भीड़ ज़्यादा नहीं है, नंबर जल्दी आ जाएगा। तो अपनी रजिस्ट्रेशन हो गई है, पहले तो यात्रा पर्ची मिलती थी, अब ये ऐसा RFID कार्ड बना के देते हैं, ये तो ये बन गया, ये थोड़ा पक्का काम है, तो इसको लेके अब मेरे को जाना है माता के दरबार में, ये भी माथा टेकेगा, मैं भी माथा टेकूंगा, दोनों टेकेंगे। चलो भाई अब अगली जंग है, अपने को कटरा बाणगंगा के पास पहुँचना है, ऑटो लेंगे भैया ऑटो। ये ऑटो की पर्ची कटती भैया, ऑटो की पर्ची कटती है, ऐसे बैठ जाओ, बैठ जाओ ऐसे ही बैठा लोगे, आ जाओ ऑटो ले लिया भैया एकदम। अभी देखो आप दिखोगे भी, देखो भाई जी सब्सक्राइबर, नया सब्सक्राइबर ढूंढ लिया, वो भी वैष्णो देवी। हमें ना रात को भवन में स्टे करना है, तो भवन में स्टे करने के लिए अपने को ऊपर रूम चाहिए भवन में, कोशिश कर रहे हैं कि हमें रूम मिल जाए, मिल जाएगा। ये बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है ज्वेल्स, अक्सर हम यहीं पे आके अपना ब्रेकफास्ट लंच वगैरह किया करते थे, अब तो 3 साल बाद आए हैं। खैर भाई अब जा रहे हैं निहारिका की तरफ, निहारिका में लेंगे ऊपर वाले कमरे की पर्ची। लो भाई ये निहारिका कॉम्प्लेक्स है सामने, ये देखो ये गेट दिख रहा है, अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे हमारे को दे दो एक कमरा बने हमारा। बहुत भीड़ है भाई, पर फाइनली ऊपर का रूम का बुकिंग अपने को मिल गया है, वैष्णवी भवन 2B हट, मज़ा आ गया भाई, यही चाहिए था बस, माता रानी की कृपा से रूम मिल गया है भाई साहब, अब कोई टेंशन ही नहीं है किसी भी चीज़ की। ऑटो 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 खिलाओ, ऑटो बिठाओ भाई, कितने पैसे लोगे भाई? कहाँ जाने से? नए रास्ते से जाना है, पुराने से बाणगंगा जाना है, बाणगंगा इसको काट रहा है। कब हो गया? अब बच्ची सामने खड़ी है, थोड़ा देख तो लो यार, थोड़ा बोल लो, साइड पे कर लो, अरे फिर भी बच्चा एकदम से हिल जाए तो।